आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जहानाबाद विधानसभा से क्षेत्रीय भाजपा विधायक राजेंद्र पटेल ने मोदी सरकार कार्यालय के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के उपरांत सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, यहां एक और डबल इंजन की सरकार आम जनमानस के हितों पर उल्लेखनीय कार्य कर रही है तथा भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का काम मोदी तथा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है, जहां एक वह सरकार ने माफिया तंत्र दलाली तंत्र को खत्म करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ सरकार ने आम जनमानस के हितों के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। भाजपा विधायक राजेंद्र पटेल ने बताया, सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना जैसी पारदर्शी योजना को लागू कर सरकार ने पात्रों के खातों में सीधा पैसा डालने का काम किया है। उन्होंने कहा है, पूर्ववर्ती सरकार ने भय तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता था, वर्तमान सरकार ने इसे पारदर्शी बनाने के साथ साथ जनता के हितों का ध्यान रखा गया। आगामी 2024 में एक बार फिर भाजपा नेतृत्व के साथ नरेंद्र मोदी एक बार देश के प्रधानमंत्री बनाने संकल्प लेते हुए अपने विचार रखते हुए कहा, हिंदू राष्ट्रीय कल्पना बगैर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं की जा सकती है। युवाओं से अपील किया, सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों युवा मस्तक पर तिलक लगाकर हिंदू स्वाभिमान की बात करें। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल सिंह सूर्यवंशी, जिला उपाध्यक्ष बैजनाथ वर्मा, अनिल सराफ, संतोष ओमर सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। विपक्ष कह रहा है कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई का बड़ा मुद्दा उठा रहा है, 450 का सिलेंडर 1150 कम पहुँच गया, आवास योजना पे धांधली और अपात्रों पर ज़्यादा शिकायतें आती हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जो वो देखता है विकास बहुत अधिक हो रहा है तो वो तरह तरह के आरोप लगाता है। हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं, यही सपा की सरकार जब थी तो जो प्लाट खाली है क्या नारा लगाते थे, याद करिए आप उनके कार्यकाल का नारा, वो समाजवादी पार्टी का है। लोग तरस गए, उन्हीं के प्लाट गरीबों के ये कब्जा कर लेते, इन्हीं के समय तो अपराध बढ़े थे, इन्हीं के लोग तो हैं जिनका इनकाउंटर हुआ है, चाहे अतीक हों या अन्य जो जेल के अंदर है मुख्तियार अंसारी। महंगाई पे देखिए, महंगाई कोई भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में महंगाई है। जब कोई विकास होता है तो विकास महंगाई इसलिए नहीं मानते क्योंकि हर क्षेत्र में अनाज में भी दाम बढ़ा है, और महंगाई जब विकास होता है तो कुछ महंगाई होती है, इसलिए विकास से रोजगार मिलता है लोगों को। डीजल पेट्रोल आज तक जीएसटी पे नहीं आ सका। डीजल पेट्रोल कोई भारत में नहीं, आप पाकिस्तान चले जाइए, 300 रुपया लीटर का है, वहाँ 300 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, तो हम पाकिस्तान और चाइना से तो अच्छे हैं, हमारे यहाँ इतना कोई महंगाई नहीं है। आवास योजना पर बराबर धांधली की शिकायत, आवास योजना में जब धांधली होती है तो जांच कराई जाती है और दोषी व्यक्ति के से वसूली की जाती है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।